नमस्कार, मेरे साथ खेलिए बच्चों के खिलौने में आपका स्वागत है। और आज हम ग्रह देखेंगे पटी प्लैनेट्स से। दो ग्रहों के बारे में मुझे अभी भी आपको बताना है। सिलसिली मिट्टी या क्ले के ग्रह है ये। इस जगत में जितने ग्रह हैं उतने हैं उसमें, और इसमें साल का कोई कितने साल के बच्चे होने चाहिए नहीं लिखा है, बट 5 साल से ऊपर होने चाहिए शायद। और आज मैं आपको ये नीला ग्रह दिखाऊंगा। आज है नेपच्यून, जिसको हम वरुण कहते हैं हिंदी में। ये एक नीला ग्रह है, तो ये नीली सिलसिले क्ले से बना है। बहुत ही सुंदर है, खोलते हैं इसको, देखते हैं कैसा है। इंटेलिजेंट क्ले और सिलसिली मिट्टी का मिश्रण है ये, लगता है समुद्र जैसा, बिल्कुल नीला। देखिए इंटेलिजेंट क्ले जैसा। मस्त है, आप इसे खींच सकते हैं शायद। हाँ देखिए, आप जैसे खींच सकते हैं इसको। इंटेलिजेंट क्ले से भी ज़्यादा आप इसे खींच सकते हैं। और नेपच्यून ग्रह है, बिल्कुल मस्त है। देखते हैं इसको तोड़ा तो क्या होता है। अच्छा, तो बिल्कुल जेली की तरह है ये। अंदर जैसे देख रहे हैं आप, गिलगिला है। तो मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत सुंदर लगा। पटी प्लैनेट्स नाम का बड़ा सेट है अमेज़ॉन पर, और एक एक ग्रह भी मिलते हैं आपको, बट ये पूरा सेट है हमारे पास। दूसरे वीडियो में सैटर्न यानी शनि का क्ले दिखाया था, इस सेट में भी है, पर अभी मैं वो नहीं दिखाऊंगी। ये इंटेलिजेंट क्ले है या स्लाइम है, मुझे पता नहीं है। तो आप कमेंट्स में लिखिए आपको क्या लगता है, ये इंटेलिजेंट क्ले है या स्लाइम है। क्या आपके पास ऐसे कुछ घर पे है? मुझे तो ऐसे लगता है कि ये इंटेलिजेंट क्ले और स्लाइम का मिश्रण है, क्योंकि स्लाइम तो बहुत तरल रहता है, पर ये गाढ़ा है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मार्स यानी मंगल ग्रह का क्ले दिखाऊंगी। तो आज ये था नेपच्यून। हाँ, ये मार्स का क्ले मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और ये हमारा छोटा वीडियो आपको कैसे लगा बताइए। धन्यवाद।